नमस्कार, मैं यशस्वी यादव स्वागत करती हूं आपका IMS TV पे। आज हम मौजूद हैं श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में, जहां मिशन शक्ति द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड कॉन्फिडेंस है। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर ऑफ लैक्मे सैलॉन एंड लैक्मे अकेडमी एट लखनऊ एंड वाराणसी ब्रांच, मिस अनीता मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहूँगी कि जो आज की महिलाएं हैं वो मेकअप इंडस्ट्री में आ रही हैं, तो पहले के समय में और आज के समय में कितना चेंज देखने को मिला है कि महिलाएं जो आई हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है अब इस इंडस्ट्री में आना, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगी? देखिए, अभी जो मेकअप इंडस्ट्री का सिनेरियो है वो बहुत चेंज हुआ है। अगर आप 1 to 100 के स्केल पे देखेंगे तो हम लोग 60-70 के स्केल पे पहुंच चुके हैं। पहले क्या था कि हमारी फैमिलीज़ को या हमारी सोसाइटी में इसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटी वाली नज़र से नहीं देखते थे। अब तो जो भी मेकअप आर्टिस्ट हैं वो लोग सेलिब्रिटी का दर्जा पा चुके हैं और काफ़ी राइज करा है उन लोगों ने। नेम, फेम और मनी हर चीज़ है इसमें। आपने देखा होगा जो इंडस्ट्री में बड़े बड़े हीरो हीरोइंस के जो मेकअप आर्टिस्ट वगैरह होते हैं, वो लोग तो उनके बराबर के सेलिब्रिटी हो जाते हैं। तो अभी बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब हो गई है और इसमें काफ़ी पढ़े लिखे लोग आने लगे हैं और अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से काफ़ी राइज भी कर रहे हैं। तो ये बहुत अभी भी बहुत अपकमिंग इंडस्ट्री है। ये काफ़ी राइज हम लोगों ने किया है, लेकिन अभी बहुत राइज करना बाकी है इसमें। मैम, अब मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे आप जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड कॉन्फिडेंस, तो मैम एक महिला को कॉन्फिडेंट होने के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, तो आप इस पर अपनी राय दीजिए। देखिए, ये दोनों वाइसी वर्सा हैं। जैसे आपने कहा है कॉन्फिडेंट होने के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, तो मुझे लगता है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये वाइसी वर्सा सा है। और कॉन्फिडेंट आप तब कब होते हैं जब आप अपनी वर्क के लिए पैशनेट हों और हार्ड वर्किंग हो, आपकी सोच पॉजिटिव हो और आप जो करना चाहते हैं गोल ओरिएंटेड हों, आप जो करना चाहते हैं उस पर पूरा फोकस करें और मेहनत करें। तो आप अपनी बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं तो उन मिस्टेक्स से आपको बहुत सारी लर्निंग मिलती है। तो वन हु लर्न्स फ्रॉम द मिस्टेक्स वही राइज करता है, तो वही फिर कॉन्फिडेंट भी हो जाता है। तो कॉन्फिडेंट हुए तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो हो गए ही, दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं। फिर मिस अनीता जी, मेरा अंतिम सवाल ये रहेगा कि जो कई सारी महिलाएं ऐसी होती हैं मेकअप इंडस्ट्री में आती हैं पर वो उस टॉप लेवल तक नहीं पहुंच पाती हैं, जैसे आप खुद हैं इस टॉप लेवल पर हैं, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, वैसे तो मैं मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं आई एम एन एंटरप्रेन्योर और मैं बिज़नेस करती हूँ। लेकिन देखिए, कहीं भी टॉप पे पहुंचने के लिए, मैं भी अभी टॉप पे नहीं हूँ, मैं खुद को आई नेवर कंसिडर माई सेल्फ ऑन टॉप बिकॉज देर इज़ ऑलवेज अ रूम टू यू नो ग्रो। तो देर आर मेनी थिंग्स वेयर आई कैन ऑल्सो ग्रो। तो दिस इज़ समथिंग जो कि आपको पुश करता है और ग्रो करने के लिए। सो यू नो, नेवर गिव अप एंड ऑलवेज ट्राई टू लर्न, ऑलवेज ट्राई टू ग्रो, तो उस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। और बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कि बहुत सारे, जब देखिए हमारी कंट्री में लेडीज़ के साथ बहुत सारे हर्डल्स भी आते हैं, तो जो लोग बहुत मजबूती से उन हर्डल्स को पार कर लेते हैं, जो भी उनको प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें क्विट नहीं करते हैं, जिनके दिमाग में होता है आई एम नॉट गोइंग टू क्विट एट ऑल, इवन इफ आई हैव टू क्विट आई विल अगेन ट्राई टू यू नो, हमको आगे फिर से बढ़ना है तो करना है, तो वैसे लोग हमेशा टॉप पे पहुँचते हैं और ज़रूर पहुँचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी आपका। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से महिलाओं का योगदान इस मेकअप इंडस्ट्री के साथ साथ और जगह भी बढ़ता जा रहा है, ऐसी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें IMS TV।